उसने मुझे लगा छोड़ा नहीं मुझे। बूढ़ी माँ जिसको सब छोड़ गए मगर बेटे आबिद ने साथ ना छोड़ा, बल्कि खुले आसमान तले खेमा लगाकर बेटा माँ के साथ रहता और सड़क किनारे मोटरसाइकिलों को पंक्चर लगाकर अपना और अपनी माँ का पेट पाल रहा है। माँ जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम। शमीम, मुझे बताएं शमीम बीबी के कभी आपने सोचा था कि हालात ऐसे हो जाएंगे? नहीं। शादी से पहले आपके हालात सही थे जब अपने माँ बाप के घर थी आप? माँ बाप के घर, बाद में गरीब थाना मियाँ भी, उन्होंने कोई हमें हमारे पे तवज्जो ही नहीं दी। बस सारी सारी रात फिरना, फिर के आ जाना खावन में, मैं सोई भी होती थी तो उल्टी उल्टी खा के सास थी जिंदा वो फोत हो गई, सुसर भी फौत हो गए। बस हमने अपने बेटे के पास मिये के मरने के बाद ये हालात हुए? हाँ ये हालात हुए। जब वो कमा रहे थे फिर आपके हालात ठीक थे? नहीं, माँ बापों के घर बड़े अच्छे थे, गरीब तो थे मगर अच्छे थे, लाडली थी। बाद में कितने बहन भाई थे आपके? छह बहन भाई। कहाँ हैं बहन भाई, पूछते नहीं हैं? नहीं, वो बेचारी अपने घर की हैं, अपने उनके घर बाल हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, उनकी लड़की हैं, वो मुझे पूछें या अपने आप को खिलाएं। तो आपका बेटा आपको लेकर यहाँ आसमान के साए तले बैठा हुआ है और उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा आपके बेटे ने, क्या कहना चाहती है अपने बेटे को? बहुत सारे बेटे हैं जो अपने माओं को छोड़ देते हैं, बड़े बड़े अमीर हैं, तो आपके बेटे ने तो आपको छोड़ा ही नहीं, क्या कहना चाहती हैं? किसने मुझे लगा छोड़ा नहीं मुझे, जो मिलता खा लेते हैं बाजार से रोटी मंगा लेते हैं। किसी से कुछ कहना चाहती हैं, क्या मदद करें लोग आपकी जो आपको देख रहे हैं? जो भी करना करें अल्लाह जो भी दे मुझे मुझे मंजूर है, अल्लाह का दुआ दूंगी। मेरा बेटा तुम भी मेरी बेटी हो बजाय, अल्लाह तुम्हारे नसीब बच्चे करे, बच्चे वो गरीब कहाँ से लाए, कोई चोरी नहीं करनी किसी की, बिल्डे जो मिल जाता है ये हथियार है हमारे, हम खा लेते हैं। दूसरा बेटा कहाँ है? कौन था? वो तो छोटा है बहुत। वो कहाँ पे है? वो बेचारा कभी मजदूर, कभी मंडी में लगा लिया सौदा, कभी बेटियों की आपने शादी कर दी सबकी? हाँ जी, बेटियों की शादी कर। बेटियाँ भी नहीं पूछती? नहीं, बेटियों के नहीं मैं रहती, बेटियों के पास नहीं रहना चाहिए, बेटों के पास रहना चाहिए, बेटे मैं नहीं रहती बेटियों के पास, अच्छा नहीं लगता। जवाई ये कह रहे ये तेरी माँ इधर आ गई, बुरा लगता है, अच्छी बात है कोई अगर आपको कोई मदद कर दे, आपको घर ले दे फिर ठीक है? ले दो, कोई ले दो, मैं हमें कोई कच्चा पक्का ले दो, मैं ले लूँगी मेरा बेटा। हाँ मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं कच्चा पक्का भी ले दोगे मैं रह लूँगी, मेरी धी तुम्हारी बेटी हो। बेटी खाने में आपको क्या पसंद है? चले जो ले आना, रोटी पानी शोरबा जो भी कर, क्या करूँ मैं बेटा, 100-150 की रोटी ले आता। तो आपको ये फालिज कब हुआ शादी के बाद? ये मुझे हाँ बाद में। कितने साल हो गए? मेरा ये तीसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये मुझे नहीं खुलती ये। इसका इलाज कराया था? नहीं, मियाँ ने कराया ही नहीं, वो बाहर फिरते थे सारी सारी रात, उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी मेरे। आबिद साहब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप सड़क के किनारे अपनी वालदा को लेकर जो है आसमान तले बैठे हैं, खुले आसमान तले, तो इसकी क्या वजह है?
वजह यही है कि घर बार नहीं है हमारा। घर क्यों नहीं है? घर हालातों की वजह से नहीं है, तो मैं पेंशन लगाता हूँ, माड़ा बंदा हूँ, 200-400 रुपये बढ़ता हूँ, वही हम खाना वाना खा लेते हैं माँ बेटे। मुझे ये बताएं कि आपके हालात शुरू से ऐसे थे या बाद में हुए और पंचर लगा रहे हैं आप? क्या बचपन से यही काम सीखा आपने? जब से ये मेरी वालदा बस बीमार हुई है ना, फालज की मरीज हुई है, एक मुट्ठी इनकी बंद रहती है, और जब से मैं बस थोड़ा सा परेशान होया हूँ, तो अकेला हूँ मैं। वो बहन भाई जो अपने हैं अपने घर बार में, वो बेचारे अब अपने घर बार में हैं, लेकिन किसी के पास कोई इतना टाइम होएगा तो जो वो आ जाएगा मिलने के लिए, नहीं होएगा तो टाइम नहीं आएगा। कितने बहन भाई थे आप? हम 6 बहन भाई थे, 3 बहनें 3 भाई। तो आप एक हैं, बाकी 2 भाई, किसी ने मुड़ के नहीं पूछा कि क्या हालात हैं, किस हालात में रह रहे हैं, माँ को लेके आप यहाँ बैठे हुए हैं, वो फालिज के मरीज़ हैं, काम है नहीं, घर है नहीं, किसी ने मदद नहीं की, किसी रिश्तेदार ने? कि अब बेचारों के अपने हालात जो उनसे ना सही नहीं है, तो वो हमारे हालात क्या सही करेंगे। मुझे ये बताएं आपकी तालीम कितनी थी और क्या शुरू से पेंचर का काम ही आपको आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं सीखा आपने? झूले वगैरह का करता था, झूले वगैरह मैंने अब ज़रा थोड़ा सा, एक झूला था हमारे पास लिखा हुआ, तो वो मैंने अब सेल करा, तो पेंचरों का काम शुरू कर लिया। वैसे पहले भी मैं पेंचरों का ही करता था काम। वालिद साहब आपके क्या करते थे? यही काम करते थे, पेंचरों का। वालिद साहब भी यही काम करते थे? हाँ, फोत हो गए। वालिद साहब के वफात के बाद हालात ख़राब हुए या शुरू से ऐसे थे? उनके बाद ही हुए। मुझे ये बताएं कि बड़ी ये इंस्पायरेशन और मोटिवेशन सी बात है बहुत सारे बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप को ओल्ड होम छोड़ देते हैं या सड़क पर छोड़ के लवारिस चले जाते हैं, तो आपके हालात इतने बुरे हैं, आपने फिर भी मुश्किलात का सामना किया और अपनी माँ को यहाँ लेकर संभाल कर बैठे हुए हैं, ये इसकी आपको कभी सोच नहीं आई कि इनको छोड़ दें, क्योंकि कारोबार में कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है? ये अब की नहीं बात है, मेरे पास 10-11 साल हो गए, मेरी वालदा मेरे साथ ही रहती है, अब की बात नहीं। मैं बीमार भी रहता हूँ, वैसे भी रहता हूँ, लेकिन जो ये कहती हैं वो मैं लेके आता हूँ, इनकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ मैं अपनी वालदा। पेंशन लगाते हैं आप यहाँ पर, तो कितनी दिन की कमाई आपको होती है? बस जितने भी आ जाए, ये हवाई रोजी है, कभी 200 आ गया, 400 आ गया, जितना भी आ गया हमारा खाना होता है, बस लंगर पानी आया, मैं बाजार से लेके आते। आप सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, कभी किसी ने कोई मदद नहीं की आपकी? नहीं जी, मदद कोई नहीं कर रहा, तो लेकिन ये है कि हम अल्लाह ताला को याद करके मैं खुद ही जाता हूँ, खुद ही ले आता हूँ, अल्लाह पाक दे देता है पैसे, ये बात। माँ जी खाने की ख्वाहिश करती हैं, किस खाने की ज़्यादा आपसे ख्वाहिश करती हैं बेटे से? बेचारों ने क्या खाना है, माँ हमारी ने बस आधी रोटी खाती हैं, बस जो कहती हैं वो मैं ला देता हूँ। मुझे ये बताएं आबिद साहब कि ये आपने कैमरामैन दिखाया तो एक चारपाई है और माँ जी नीचे हैं सोती हैं, आप चारपाई पर नहाना धोना सारा कुछ कहाँ करते हैं? इसके अंदर मेरा सामान है पेंचरों का सारा, नहाना धोना का यही है, मैं पानी वगैरह लाता हूँ वो उनके ऊपर डाल दे तो पीछे से पानी लेके आता हूँ। दिन में कितनी कमाई हो जाती है, कितने रुपये, 400-500 कितने, कभी ऐसा हुआ है, कभी हुई ना हो? कभी होती भी नहीं है। आप कितनी देर हो गई आपके सामने कोई आया पेंचर वाला? फिर उस दिन खाना कैसे खाते हैं? बस उस दिन फिर कोई उधार कर लेते हैं या किसी से, या कोई पकड़ लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, कोई ना कोई कर लेते हैं, खा के ही सोते हैं। अल्लाह ताला दे देते हैं, अल्लाह पाक दे देता। अब मुझे बताएं आपकी वालदा को क्या मसला है, उनकी एक बाजू नहीं हिलती? इनको फालिज है, काफ़ी देर हो गई है। आपने पहले इलाज करवाया जब हालात ठीक थे? हाँ जी, इलाज वगैरह सब कुछ कराया, वो कह रहे हैं जो उनसे ना ये फाले जिनकी जो उनसे ना ज़्यादा दिनों में चली गई, पहले 1-2 साल में होगी तो उनको कवर कर लेता बंदा, अब ये 5-6 साल हो गए। अभी साहब मुझे ये बताएं कि इतने मुश्किल हालात हैं, सख्त शदीद तरीन गर्मी में आप यहाँ बैठे हुए हैं, किसी से कोई शिकवा है? शिकवा अब किससे है, बस अल्लाह पाक ही जो करता है बेहतर ही करता है मालिक, कोई बात नहीं, उसी ने हालात सही करने हैं, उसने ख़राब किए, उसने मेहनत कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं दुकान मिल जाएगी, किराए पे ले लेंगे। अब आप यहाँ कितने सालों से बैठे हुए हैं? बस थोड़ी देर ही हुई है, पीछे बस घूमते रहे हैं, कभी उधर कभी उधर, ये सुखी डाली पीछे लोग उठा देते हैं, बैठने नहीं देते। कौन लोग उठाते हैं आपको? कोई भी आ जाता है, अब सबको अब क्या किसी का नाम लें, कोई भी अफसर आके वो फिर अगले कह देते हैं और फलाना अफसर आ रहा है तुम यार जगह वेली कर दो, और हमें करनी पड़ती है मजबूरी तौर तो।